अपनी मनचाही मंजिल को पाना सभी के लिए आसान नहीं होता। किसी को मनचाही मंजिल मकाम किस्मत से आसानी से मिल जाता है, वहीं कुछ के लिए वहां तक पहुंचना किसी कांटों के रास्ते पर चलने भर जैसा होता है। कुछ ऐसा ही सफर रहा है उस एक्ट्रेस का जो आज भोजपुर इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन चुकी है। बात हो रही है गानों के साथ साथ विवादों की क्वीन अक्षरा सिंह की, जिन्होंने बताई पॉपुलर होने तक की अपनी आपबीती कहानी। अक्षय सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में यहाँ तक का सफर तय करने की कहानियों के बारे में बताते हुए कहा, मुझ पर और भी पाबंदियां लगती थी, लोग कहते थे नचैया गवैया बनेगी क्या, इस तरह की बातें मुझे सुनने को मिलती थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने कहा कि वो पटना से थी, इसलिए पहले उन्हें ज्यादा भोजपुरी नहीं आती थी, जिसकी वजह से जब उन्होंने इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालांकि अब वक्त के साथ और हालातों ने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा समझदार बना दिया है और वो सही चीजों का चुनाव करना भी सीख गई हैं। वो आज अपने मन के मुताबिक ही प्रोजेक्ट्स करती हैं। उन्हें जो सही नहीं लगता उसके लिए वो सीधा मना कर देती हैं। बता दें कि अक्षय सिंह का नाम उन एक्टर्स में शुमार है जो किसी से नहीं डरती और अपनी बात बेबाकी से सबके सामने रखती है और वक्त वक्त पर गलत के खिलाफ आवाज भी उठाती है, और इसी बात का नमूना उन्होंने हाल ही में दिखाया अपने गाने के खिलाफ लगातार साजिश करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोलकर। सिर्फ यही नहीं, एक्ट्रेस ने लाइव आकर इशारों इशारों में उन सभी लोगों को लताड़ लगाई थी जो उनके खिलाफ घटिया साजिश कर रहे थे। एक्ट्रेस के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो जल्द जुबली स्टार निरहुआ के साथ एक फिल्म लेकर आने वाली है। इस फिल्म का ऐलान हाल ही में उन्होंने किया। फिलहाल हम तो यही चाहेंगे कि वो ऐसे ही अपनी मेहनत के बल पर इंडस्ट्री पर आगे बढ़ती रहे और अपने काम से बड़े पायदान पर यूं ही पहुंचती रहे। फिलहाल एक्ट्रेस के बारे में क्या कहना है आपका, दीजिएगा अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।